गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक रेस्पिरेशन। लाइफ प्रोसेस में ही हम पहला पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आए हैं, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। और अभी हम सेकेंड टॉपिक उसमें करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन, जिसमें जो भी सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं सारे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेल ऑर्गेनल इन विच ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस। यानी उस सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जिसमें पाइरूवेट का यानी पाइरूविक एसिड का ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में। तो देखिए, हाफ प्रोसेस तो ये आप पढ़ चुके हो। हाफ प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद की प्रोसेस जो है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या होगा ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट? आंसर है पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होती है जहाँ पर कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है फूड का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंटरमीडिएट एंड एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये वही वापस से ही एरोबिक रेस्पिरेशन आ गया। तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं पाइरूविक एसिड और एनर्जी, और जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स में आता है। तो ये सारी तीनों रिएक्शंस आपको याद करनी है कि ग्लूकोज कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है, वो किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ तक की रिएक्शन तो होती है साइटोप्लाज्म में, जो कि कॉमन है सबके लिए, ये वाली रिएक्शन जिसमें कि पाइरूविक एसिड एनर्जी बनता है। उसके बाद के ऊपर इसको हम एरोबिक एनारोबिक और जो है प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है तो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रही है तब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा जहाँ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। Why does the air passage does not collapse when there is no air in it? ये मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था कि जो एयर पैसेज है यानी जहाँ से एयर जाती है यानी ट्रैकिया, वो कॉलेप्स क्यों नहीं करता अगर उसमें जो है एयर नहीं है तो? क्योंकि द एयर पैसेज दैट इज़ ट्रैकिया सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ये बताया था यहाँ पर। इस तरह से कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं पूरा यहाँ ब्रोंकाई उसमें भी इस तरह से, ताकि ये कॉलेप्स नहीं करें। इस तरह से सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जिसकी वजह से कॉलेप्स नहीं करता चाहे उसमें एयर नहीं है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग साइकिल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ब्रीथिंग साइकिल व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स? रेजिडुअल वॉल्यूम का क्या एडवांटेज है? यानी ऐसा नहीं होता कि पूरा लंग्स एक टाइम पर खाली हो जाए इनहेलेशन एक्सहेलेशन के टाइम पर, उसमें एक्सहेलेशन होने के बाद भी उसमें कुछ एयर बची रहती है जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। सफिशिएंट जो क्या देती है ब्रीथिंग साइकिल, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। तो वो सफिशिएंट टाइम है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहता है उस टाइम पे, ऐसा नहीं है कि पूरे लंग्स एक बारी में खाली हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इन ईस्ट? तो देखिए वही सब आ गया। अब ईस्ट का पूछ रहे हैं, अंडर व्हाट कंडीशन आर सिमिलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी दैट लीड्स टू मसल क्रैम्प? ऐसी ही सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में कौन सी होती है जिसमें मसल क्रैम्प्स होते हैं? तो द एंड प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन है, एनारोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन है, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन इन ईस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। इथेनॉल बनता है जिसलिए इसलिए इसको हम बोल रहे हैं फर्मेंटेशन। सिमिलर प्रोसेस सीन इन आर बॉडी व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है मसल्स में तो हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज विगरस एक्सरसाइज करते हैं, तो जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन अगर नहीं मिल पाती है तो क्या होता है लैक्टिक एसिड बन जाता है। When there is a lack of oxygen muscles leading to muscle cramps, it results due to accumulation of lactic acid produced during anaerobic respiration. क्योंकि वहाँ पर anaerobic respiration से lactic acid बन जाता है और जब ये हमारे उसमें accumulate हो जाता है तो muscle cramps आने लगते हैं। ये lack of oxygen की वजह से होता है और ईस्ट के अंदर ये absence of oxygen की वजह से होता है। एंड प्रोडक्ट जो बनते हैं वो बनते हैं इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम fermentation या anaerobic respiration बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल? एक्वेटिक एनिमल क्यों तेजी से ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? एक्वेटिक एनिमल्स यानी जो पानी में रहते हैं वो जल्दी से जो है वो ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, इसलिए उनको कंपनसेट करने के लिए वो जल्दी से ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। बट जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे हम लोग हैं
तो एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों की ब्रीथिंग रेट उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ब्रीथ फास्टर बिकॉज दे ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, वाटर कंटेन्स लो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन दैन दैट फाउंड इन एयर फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट इन ब्रीफ द रोल ऑफ लंग्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। लंग्स का क्या रोल है? आपको पता है लंग्स का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो। लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी जो लैंड पर रहते हैं, एंड दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये बताया था कि वहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे पहले ब्रोंकाई बनता है, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई। ऑक्सीजन इज टेकन इन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। एल्वियोलाई ऑफ लंग प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एज दे कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। तो ये हमने पढ़ा था कि क्या होता है, यहाँ पर जब ये ट्रेकिया, फिर ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई की फर्दर ब्रांचेज हो जाती हैं और ये यहाँ पर जाके ऐसे एल्वियोलाई बन जाती है। एक एल्वियोलाई को अगर हम देखेंगे इस तरह से, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, ब्लड कैपिलरी का इस तरह से नेटवर्क होता है और आराम से जो डिफ्यूजन से ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से इसमें आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से चली जाती है। तो ऐसे एल्वियोलाई जैसे ग्रेप्स होते हैं का बंच होता है, उस तरह से होता है और उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है, इसलिए डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में चली जाती है, जिसको एक्सेलेशन की प्रोसेस में निकाल दिया जाता है। तो एल्वियोलाई से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है गैसेस एक्सचेंज हो सके। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो ये 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क में किसी में भी आ सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ए सेल इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जहाँ पर एयर की बात की जा रही है, मीन्स वो क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन टू 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड पाइरुवेट। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, जो 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल यानी पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट आप बोल सकते हैं, कन्वर्ट हो जाता है, विच फर्दर ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, और एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। तो इसीलिए यही तो हम बोलते हैं, ये एनर्जी जो रिलीज होती है वो ATP के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है, जो हमको जब रिक्वायरमेंट होती है तो इस ATP से हमको एनर्जी मिल जाती है। तो इसकी रिएक्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसी के ऊपर हम अभी 2-3-4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। देखिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया पाइरुवेट और एनर्जी में। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है साइटोप्लाज्म में, ये प्रोसेस यहाँ तक की कॉमन है सब में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, और कहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस है तब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। सेकेंड, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सेल इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस नोन एज फर्मेंटेशन इन माइक्रोब्स। इथाइल एल्कोहल और लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट। तो देखिए ये तो कॉमन प्रोसेस है, जो अभी हमने पढ़ी है वही प्रोसेस है, बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बन रहा है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी ईस्ट के अंदर, बट हमारे अंदर ये प्रोसेस हो रही है, यहाँ तक कि कॉमन प्रोसेस है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और लैक ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है लैक्टिक एसिड और एनर्जी हमारी मसल्स में। यहाँ पर आएगा लैक ऑफ ऑक्सीजन और वहाँ पर आएगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनका क्या रोल है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नेजल हेयर्स, डायफ्राम, एल्वियोलाई एंड नेजल कैविटी। ये मैंने आपको बताया भी था, पढ़ाते थे। नेजल हेयर्स जो हमारे नेजल कैविटी में यहाँ पर बाल प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ नेजल पैसेज है। दीज हेयर हेल्प इन फिल्टरिंग द एयर पासिंग थ्रू नॉस्ट्रल्स सो दैट जर्म फ्री एयर कुड रीच द लंग, ताकि जितने भी जर्म्स अगर आ गए हैं इसमें या डस्ट आ गई है उसको ये यहीं पर ट्रैप कर ले, अंदर ना जाने दें, नहीं तो चोकिंग हो सकती है। दूसरा डायफ्राम, इट इज़ अ मस्कुलर पार्टीशन, ये डिवाइड करता है अबडोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को। थोरेसिक कैविटी जहाँ पे लंग्स और हार्ट होता है, और अबडोमिनल कैविटी जहाँ स्टमक प्रेजेंट होता है। तो इस डायफ्राम के मूवमेंट से ही लंग्स का जो है वॉल्यूम कम या ज़्यादा होता है, और इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है। थोरेसिक एंड अबडोमिनल बॉडी मूवमेंट ऑफ डायफ्राम हेल्प इन ब्रीथिंग प्रोसेस, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एल्वियोलाई, जो अभी मैं आपको बता रही थी कि एल्वियोलाई क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से, इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है। ये तो एक है, ऐसे बहुत सारी होती हैं, अगर पूरा कवर करें तो 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करती हैं ये। तो यहाँ से ऑक्सीजन आराम से डिफ्यूजन से यहाँ आ जाएगी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चली जाएगी। बैलून लाइक विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैसेज एक्सचेंज इन लंग्स। नेजल कैविटी, नेजल पैसेज
नेज़ल पैसेज कंडीशन द एयर एंटरिंग इट इन, क्या करेगी, जो बाहर से ठंडी एयर आ रही है उसको हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग वार्म करेगी, मॉइस्चराइज करेगी, वाइल नॉस्ट्रल्स फिल्टर द एयर बिफोर इट रीचेज हिम, यानी सब कुछ यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, मॉइस्चराइज हो जाएगी, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग वार्म हो जाएगी, उसके बाद वो लंग्स के अंदर जाएगी। वाई डू फिशेज डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर, फिशेज बाहर निकालने पर मर क्यों जाती हैं, क्योंकि आपने हमें अभी पढ़ा है एक्वाटिक एनिमल्स कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन वाटर से, और उनकी बॉडी उसी तरह से बनी होती है। और फिशेज का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है गिल्स, व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर बिकॉज दे आर अनेबल टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकती, दे आर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर गिल्स विच आर स्पेशलाइज टू ड्राइव ऑक्सीजन डिजॉल्विंग वाटर, इनके जो गिल्स हैं वो खाली पानी से ही ऑक्सीजन को ले सकते हैं, इसलिए जब उसको बाहर निकाल देंगे तो वो एयर से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सारे